गई है कयामत की रात, मैं हूँ नागिन। अरे माँ, आप कहीं जा रही हैं? मैं नहीं, हम सब साथ जा रहे होटल। तुम्हारे सूरी अंकल वापस कनाडा जा रहे, इसलिए हमने सोचा एक छोटा सा गेट टुगेदर रखे। हमारा क्या काम आप बड़ों के बीच? काम है, एक बहुत बड़ी ज्योतिषी वहाँ आ रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसे एक बार। माँ, आप जानती हो ना, मैं ज्योतिषी पंडित बाबा इन सब में विश्वास नहीं करता। वैसे भी मैं शिवन्या को आज शहर घुमाने ले जा रहा हूँ। सुनिए, घूमने तो हम कभी भी जा सकते हैं, आज होटल चलते हैं ना, पूरा परिवार वहीं होगा और परिवार के साथ रहने में जो मजा है वो और कहाँ। वैसे भी सूरी अंकल जा रहे हैं, पता नहीं फिर कब वापस लौटेंगे। आज सब वहीं होंगे, हमें भी वहीं होना चाहिए ना। बता रही हो, मना रही हो? ओके, माँ और बीवी का हुक्म सराकों पे। वैसे भी इन दोनों के बिना जिंदगी नहीं चलती, और अगर जिंदगी साथ चलानी है तो इन दोनों के साथ चलना पड़ेगा। चलो चलो। सूरी, तेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, मैं आ रही हूं। अब शिवन्या 205 में है। वैसे शिवन्या, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ है, आज हमारे पूरे परिवार के भविष्य के बारे में मैं जान जाऊंगी। वैसे सुना है रम्या और मोनिशा ने भी किसी भविष्य बताने वाली को बुलाया है, तुम्हारी भविष्य बताने वाली ज्योतिष कब आने वाली है? माँ, मेरी अभी अभी बात हुई उनसे, वो बस आते ही होंगी। आप कमरे में जाइए, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। रूम नंबर 205 किधर है? ये वही ज्योतिष लगती है, इसे रम्या और मनीषा आंटी ने बुलाया, ये तो अंदर चली जाएंगी, जल्दी कुछ करना होगा। तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है? उस कातिल सूरी की दुखती रग है उसकी बीवी, उसकी दुखती रग को दबाना है। बस एक मुश्किल हो गई है, मैंने जिस ज्योतिष को बुलाया था उसके आने से पहले ये ज्योतिष यहाँ आ गई, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इसे मैं देख लूंगी। नहीं नहीं, इसे मारना मत, ये निर्दोष है। जानती हूँ, कुछ नहीं करूंगी। अब तुम जाओ और याद रखना, उस सूरी के दिमाग के साथ खेल खेलना है, वो अपनी बीवी के पीछे पागल है, उसे इतना पागल कर दो कि उसका दिमाग ठप हो जाए और हम उसके हाथ से अंगूठी निकाल पाए। अब धारण करो अपना नया रोग। अरे भाभी, वेलकम वेलकम। अरे क्या बात है, ऋतिक भी आया है, कैसे हो? आइए आइए, एंजॉय द पार्टी। रमेश सुनो ना, शिवन्या ने किसी ज्योतिष को बुलाया है, मैंने उससे कहा कि उन्हें यही बुला लो। ओहो भाभी, ये जो ज्योतिष फोतिष है ना, ये सब ओल्ड फैशन हो गया है। मैंने ना एक फेस रीडर बुलाई है, मेरी फ्रेंड है, चेहरा पढ़ती है, अनु कौर। काय को मजाक किरकिरा कर रही हो सबका? हम नहीं, हम लोग यहाँ पार्टी करने आए हैं, तुम यहाँ पे भी शुरू हो गई हैं? रहने रहने यार, रहने दे, आने दे आने दे, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा और फिर ये भी पता चल जाएगा कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। आ गई आ गई।
आपकी ज्योतिषी से पहले मेरी फेस रीडर आ गई। अनु ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। बैठिए ना। नमस्ते। कह के कुछ लोगों की किस्मत भगवान लिखता है, लेकिन जहाँ सूर्य वहाँ डोंट वरी, सूर्य अपनी किस्मत खुद लिखता है। गलत फहमी है आपको। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। ऊपर कोई बैठा है जो पल पल की कहानी लिखता है, उसको ही पता है कि कल क्या होगा। क्या पता कल हो या ना हो। मैं तो डर गया। आप सोच रहे हो कि मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैंने कब कहा मजाक कर रही है। ये है मेरे पास। सुनिए ना, सॉरी, ये मेरा बेटा ना प्रतीक है, अभी अभी इसकी शादी हुई है। जरा इसका चेहरा देखकर बताइए ना, इसकी किस्मत में क्या लिखा है। हाँ, मैं शिवन्या के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं पूछना और कुछ नहीं जानना। बेटा प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। अकेली होगी, मैं जाके लेकर आता हूँ। रुक जाइए। यामिनी भाभी, अनु ना किसी का भी चेहरा पड़ती ना तो अकेले में पड़ती है, तो हमने ना इनके लिए रूम बुक किया है। हाँ, वैसे भी ये पेंट हाउस होटल है, यहाँ पर बहुत सारे रूम है। कम आल शो इधर, कम। जाओ ना। कम। वैसे मैं इन सब चीजों में मानता नहीं हूँ, लेकिन आप फिर भी मुझे बता दीजिए, मेरी बीवी सच में बहुत अच्छी है ना? क्या हुआ, बताना बहुत मुश्किल है ना? कोई बात नहीं, आप मुझे कुछ मत बताइए, मैं अपने फैमिली को बोल दूंगा कि आपने मेरे लिए बहुत अच्छी भविष्यवाणी कही। मेरी माता की हर लकीर पे मेरी तकदीर बुलंद है। मैं अपनी पत्नी शिवन्या के साथ हूँ, कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। थैंक यू। किसी पे इतना भरोसा अच्छा नहीं होता, अपनी पत्नी पे भी नहीं। अगर आपको यही सब कहना है मेरी पत्नी के बारे में, तो मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ। शिवन्या ने मुझसे उस वक्त शादी की जब मेरी मंगेतर मंडप छोड़ के भाग गई थी। उसने मेरी जान, मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी बचाई। आपको क्या पता वो एहसास क्या होता है जब कोई आपको पहली बार मिलता है और अपना सा लगने लगता है। यूनो उसका एक मंगेतर था जिससे उसकी शादी होने वाली थी। बहुत बुरा इंसान था वो, लेकिन उसने आज तक एक भी बार उसकी बुराई नहीं की। सोचो कितनी अच्छी है वो, क्योंकि वो जानती है कि जिंदगी से उसे खुद लड़ना है। बरसों अकेली बिताई है उसने जिंदगी, बर्दाश्त की है जिंदगी की हर एक दुख छांव। महसूस किया मैंने उसका दर्द, उसकी आंखों में देखा है। कोई बहुत बड़ा दर्द सा है उसने अपने अतीत में, जो वो मुझे भी नहीं बताना चाहती, लेकिन उसी दर्द ने उसे ताकत भी दी है। इसीलिए शायद वो दूसरों का दर्द समझती है, फिकर करती है सबकी। कुछ ही वक्त में एक रिश्ता सा जुड़ जाता है उसके साथ, जैसा मेरा जुड़ा। उसने मेरी जिंदगी बचाने के लिए मुझसे शादी की। मुझे लगता है कुदरत का जोड़ा हुआ रिश्ता है हमारा। जिंदगी में अगर उसके लिए कभी अपनी भी जिंदगी देनी पड़े, जिंदगी देनी पड़ूंगा तो दे दूंगा, तो दे दूंगा। ऐसा रिश्ता है हमारा, इतना भरोसा करता हूं मैं उस पर। आप अपनी भविष्यवाणी अपने पास ही रखिए, मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। क्या हो रहा है मुझे? जब भी उसके साथ होती हूँ तो क्या हो जाता है मुझे? शिवन्या, इन रिश्तों में उलझकर अपने मकसद को मत भूल। तुम्हारा बस एक ही मकसद, एक ही रिश्ता, एक ही काम, तुम्हारे माँ बाबा का इंतकाम।